में हम लोग रेलवे आरपीएफ 2018 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग आरपीएफ 2013 और आरपीएफ 2015 की कितनी कट ऑफ गए थी वो भी डिस्कस करेंगे, और पूरी एनालिसिस के बाद दोस्तों 2018 में कितने गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए और कितनी कट ऑफ जा सकती है ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, क्योंकि रेलवे एग्जाम की पल पल की खबर आपको मिलती है इस चैनल पे। कोई भी न्यूज और नोटिफिकेशन आता है उसकी अपडेट आपको मिलती है सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे 2018 का, इससे पहले हम लोग 2013 और 2015 का कट ऑफ देख लेते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2013 के कट ऑफ के बारे में देखेंगे, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आरपीएफ 2013 का कट ऑफ देखने से पहले रीजनिंग में आपको बता दूं दोस्तों, 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जीके में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स थे 35, 35 और 50, यानी जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। लेकिन सबसे बड़ा उसमें बात था 2013 वाले कट ऑफ में दोस्तों, 2013 वाले आरपीएफ एग्जाम में, कि आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ लाना पड़ता था, यानी कि रीजनिंग में आपको 35 में 23 क्वेश्चन सही करने ही हैं, यानी 23 नंबर लाने ही हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में 35 में आपको 20 नंबर लाने ही हैं। उसके बाद जीके में आपको 50 में 23 नंबर लाने ही हैं। अगर इतने में से किसी में भी आप एक नंबर भी कम लाएं तो आप सीधा डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो ये था वहाँ पे प्रॉब्लम। तो इसमें आपका देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके थे 120 और टोटल मार्क्स थे 120, और निगेटिव मार्किंग वहाँ पे थी 2013 में 1/4। तो कट ऑफ गई थी दोस्तों 2013 में आपकी 66 आपकी कट ऑफ गई थी आरपीएफ की, आरपीएफ 2013 की 66। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 2015 की आरपीएफ की कट ऑफ। तो 2015 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपका रीजनिंग में 35 क्वेश्चन था 35 मार्क्स का, उसके बाद मैथ्स में था 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, उसके बाद जीके में था 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ थी, यानी कि रीजनिंग में आपको 35 में 25 करने ही थे, मैथ्स में 35 में 23 सही करने ही थे, और जीके में 50 में 27 करने थे। तो ये प्रॉब्लम थी दोस्तों 2015 में भी, सेम टू सेम 2013 की तरह ही सेक्शन वाइज कट ऑफ थी। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2015 में थे 120, टोटल मार्क्स थे 120 और निगेटिव मार्किंग भी थी 1/4। तो आपका कट ऑफ चला गया था दोस्तों 2015 में, दो साल के गैप के बाद 75 नंबर, यानी 120 में आपका गया था 75 मार्क्स कट ऑफ। अब तो 2018 के बारे में कि 2018 में क्या सिलेबस है और कैसे कट ऑफ जा सकती है। तो हम लोग अगर बात करें रीजनिंग की, तो आपके 35 प्रश्न आने वाले हैं, मैथ्स में 35 प्रश्न आने वाले हैं, जीके में 50 प्रश्न आने वाले हैं, और रीजनिंग का 35 मार्क्स होगा 35 क्वेश्चन पे, मैथ्स का 35 मार्क्स होगा 35 क्वेश्चन पे, और जीके का 50 क्वेश्चन पे 50 मार्क्स हो जाएगा। एक बात आपका इसमें नोट करने वाला है कि 2018 में आपको कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं आने वाला है, यानी कि अगर आप रीजनिंग में एक भी प्रश्न बनाए इसमें और इसमें सारा प्रश्न बना दिए, तब पर भी आपका कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम शामिल होगा। और या फिर आप जीके आपका कमजोर है तो नहीं बना पाए और ये दोनों क्लियर किए, इसमें कुछ ही क्लियर किए, तो आपको इजीली आपका वहाँ पे कट ऑफ में लिस्ट नाम आएगा वहाँ पे कट ऑफ लिस्ट में। तो फ्रेंड्स, इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो नहीं है सिंपली, तो एक अच्छा पॉइंट है इसमें। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, मार्क्स भी 120 है, और निगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। बाकी 2013 और 2015 में आपका निगेटिव मार्किंग था 1/4, यानी कि एक चार क्वेश्चन पे आपका, चार क्वेश्चन गलत पे आपका एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा, वहीं पे आपका यहाँ पे तीन ही क्वेश्चन गलत होगा तो आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग बात करें 2018 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो अगर आप 85 से लेकर जनरल कैटेगरी में 85 से लेकर 90 प्रश्न आप सही करते हो, बिल्कुल ही सही, निगेटिव मार्किंग को काट छाट के अगर 85 से 90 क्वेश्चन सही करते हो, तो आपका इस बार जो सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत है। वहीं अगर ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी में अगर आप 82 से 86 मार्क्स के बीच में लाते हो अभी 2018 वाले में, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी में अगर आप 74 से लेके 80 मार्क्स भी लाते हो इसके बीच में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, तो अगर आप लोग 70 से लेके 75 के बीच में भी आपके मार्क्स आते हैं, तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आरपीएफ